स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ जिसका चैप्टर हम 7 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन, या आप ये कह लीजिए एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने एक टेबल बनाई है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर का नाम है हमारे का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मीनिंग ऑफ चैप्टर, पहले हम जानेंगे कि चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस और टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या है, इनके कितने टाइप्स हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रिकॉलिंग एड एंड सब्ट्रैक्टिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो हमारा मल्टीप्लाइंग एक्सप्रेशंस है या मल्टीप्लाई आइडेंटिटीज है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो उनको हम उस एक्सरसाइज से पहले जानेंगे। तो अभी हमारे जो इस एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके टाइप से ही मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन तैयार किया है। तो हम जानते हैं फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ चैप्टर। मीनिंग ऑफ चैप्टर का मतलब है इतना आप जाने। तो वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे, सॉरी एक तरफ होंगे हमारे वेरिएबल्स और एक तरफ होंगे कॉन्स्टेंट वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल आप जानते हैं एक्स वाई जेड होते हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, जैसे कि 2, 2, 3, 5, -7, ये सब हमारी क्या होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू। कॉन्स्टेंट का आप समझ रहे होंगे, वेरिएबल का मतलब है जो अपने नंबर्स को क्या करता रहे, चेंज करता रहे, अपनी जगह को क्या हो, क्या करता रहे, चेंज करता रहे। और कॉन्स्टेंट का मतलब है एक जगह स्थिर रहना, मतलब एक जगह रुक जाना, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं नॉट चेंजिंग और ये चेंजिंग, वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं चेंजिंग होते हैं और कॉन्स्टेंट हमारे नॉट चेंजिंग होते हैं। इतना आपको समझ आया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टर्म्स, तो आप जानते होंगे टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि टर्म्स, टर्म्स हम जानेंगे नेक्स्ट पेज पर हम जानते हैं। क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं टर्म्स के ऊपर कि एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x² + 5x³। तो इसमें पूछेगा कि कितनी टर्म्स हैं और कौन कौन सी टर्म्स और कंसोनेंट। तो टर्म क्या हो जाएगी इसमें, टर्म्स हो जाएंगी 2x² और 5x³ और कंसोनेंट, सॉरी कोफिशियंट 1, 2 और 5। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए तो आपको टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। जैसे टर्म्स में हमारा क्या क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है और वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई क्या होती है, पहले तो होती है कॉन्स्टेंट वैल्यूज, वेरिएबल, और एक होता है वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इतना आया आपको समझ या नहीं आया, आ गया होगा इतना समझ। तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हमारी क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देती हूं। कॉन्स्टेंट वैल्यूज मैंने आपको पहले भी बताई हैं, 2, 3, -k, 5, 7, इस प्रकार की जो वैल्यू होंगी
वो क्या होंगी, कॉन्स्टेंट होंगी, और वेरिएबल हमारे क्या होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट क्या होंगे, कॉन्स्टेंट बताइए पहले क्या होता है, टू, और वेरिएबल क्या होगा, एक्स, मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, टू इंटू एक्स इजकल टू टू एक्स, इसमें आपके कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि माइनस के फोर एक्स की थ्री, हम यहां लिख देते हूं, जैसे माइनस के थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस के थ्री एक्स की पावर थ्री, तो आप जान गए होंगे कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, इतना है आपको समझ, टर्म समझ आ गई। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही, जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है। जैसे कि और भी एक एग्जांपल ले लेंगे, मान लो 5x माइनस के 5 59x की 3, इसमें पूछे कि इसमें टर्म्स और कोफिशियंट बताइए, कोफिशियंट मैं आपको समझा देती हूँ, कोफिशियंट हमारे क्या होते हैं, जो वेरिएबल के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट, या आप बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट बोलते हैं, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारी, ये कॉन्स्टेंट है और ये वेरिएबल, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो ही हमारी क्या होता है, कोफिशियंट होता है, यहां लिख सकते हैं कोफिशियंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो जहां हमारा कोफिशियंट पूछे तो जो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो ही हमारा कोफिशियंट होता है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है, इतना आया समझ। तो इसमें आपका वेरिएबल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी, टर्म्स इक्वल टू एक तो हो जाएगी 5x, प्लस है तो कॉमा लगा देंगे, माइनस है तो माइनस के 59x की 3। अब इसमें बोल रहा है कि कोफिशियंट भी बताइए, तो क्या हो जाएगा, कोफिशियंट इक्वल टू 5 और माइनस के 59, कोफिशियंट इक्वल टू हम लिख देते हैं यहां पर 5 और माइनस के 59, इतना आया आपको समझ। तो इस प्रकार से हमारे टर्म्स होंगी, टर्म्स आपको समझ आई अच्छे से, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और कलेक्शन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे क्या होते हैं, ये हम बोलेंगे, ये हमें बताना है, तो हम बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ टर्म्स इज एट आर आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इतना समझ आया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे बोलेंगे, जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स, मतलब एक से अधिक टर्म्स के कलेक्शन को ही, जैसे कि मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ये क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन तीनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से
अभी मैंने ये डायरेक्ट लिया है, जैसे कि 3x की 3, 5x स्क्वायर, 5x और 5। इस तरीके से आपको कुछ टर्म दे दी। अभी तो ये अलग अलग टर्म है, अगर इनको मैं या तो प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएंगी। मान लो हम इनको इनको माइनस, प्लस और प्लस इस प्रकार से कर दें, या तो हम माइनस कर दें या प्लस कर दें, तो इसका पूरे का कलेक्शन क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब तक ये अलग अलग है तो ये क्या हो जाएंगे, टर्म्स। टर्म्स के कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इतना आया आपको समझ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, इस प्रकार से हम समझेंगे। इससे नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, कौन कौन सी होती हैं, जानते होंगे आप। एक होती है जिसमें एक टर्म हो, टू टर्म, थ्री टर्म्स, इसको बोलते हैं मोनोमियल। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको टर्म देके पूछ रहे हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, जिसमें दो होंगी, बाइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है। और जिसमें थ्री टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इतना आया समझ, ट्राइनोमियल तक। अगर मान लीजिए ट्राइनोमियल तीन से ज्यादा टर्म है तो उनको क्या बोलेंगे आप, पॉलिनोमियल। अगर मान लो कहीं थ्री से ज्यादा आ जाए, मान लो थ्री, जैसे ये है, ये टर्म है, तो इसमें तीन तो नहीं ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इतना आपको समझ आए, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? अब इनके हम एग्जांपल लिखेंगे अपने पास से, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए वन टर्म का, जैसे कि 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है। इसको हम x इस टाइप से भी लिख सकते हैं, y एंड z, ये भी क्या है हमारी, एक एक टर्म है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, मोनोमियल। इसी प्रकार से हमारी बाइनोमियल, बाइनोमियल में टू टर्म्स आएंगी, ये आप जानते हैं, जैसे कि 3x प्लस के बाई या 3x स्क्वायर प्लस के 9 बाई भी कर सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी टर्म आ गई, दो टर्म आ गई। इसी प्रकार से ट्राइनोमियल में, तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म आ जाएंगी, तीन, तो कुछ भी ले सकते हैं, 3x प्लस के वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस जेड, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इतना आपको समझ आया, यहां तक प्रॉब्लम है क्या कुछ समझने में? जिसमें वन टर्म होगी वो हमारा मोनोमियल होगा, जिसमें टू टर्म होंगी वो बाइनोमियल होगा, जिसमें थ्री टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद है रिकॉलिंग एड एंड सब्ट्रैक्ट।
आप जानते होंगे रिकॉलिंग मतलब याद करें, क्योंकि हमने क्लास सेवेंथ में सब चीजें पढ़ी हुई हैं। जैसे कि व्हाइल एडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बी एड लाइक टर्म्स, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को एड कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे पहला पॉइंट है व्हाइल एडिंग एक्सप्रेशन, लिख दिया है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, तो वी एड ओनली लाइक टर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ आया यहां तक? तो फिर बोला है कि द सम ऑफ सर्वल लाइक टर्म्स इज अनदर लाइक टर्म्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सम होगा वो सर्वल लाइक टर्म्स का एनोदर लाइक टर्म्स का, हुज कोफिशियंट इज द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ दोज लाइक टर्म्स। मतलब एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए दो इस प्रकार से स्क्वायर प्लस के फाइव बाई इस तरीके से एक दे दिया, बोले एड ना, बोले एड एंड फाइव एक्स स्क्वायर प्लस के नाइन बाई, तो क्या आप नाइन बाई को और टू एक्स स्क्वायर को प्लस कर सकते हैं? नहीं, इनकी टर्म्स एक जैसी मतलब लाइक टर्म्स, मतलब टू एक्स इस प्रकार से लिखेंगे प्लस के फाइव बाई और यहां पर फाइव एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर को हम 5y के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी क्या है, ये x स्क्वायर है इसका वेरिएबल और इसका y वेरिएबल है, तो लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स मतलब x स्क्वायर x x के एक साथ और y y के एक साथ, इन टर्म्स को एक साथ प्लस करेंगे, तो यहां पर क्या है प्लस के 9y, तो इनको प्लस ही करना है, तो क्या करेंगे 9 और 5 कितना हो गया 14 by, प्लस है तो प्लस लगा देंगे 5 और 2 7 x स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको? इस प्रकार से हम इनको ऐड करेंगे। प्लस का आपको समझ में आया? सब्ट्रैक्ट का एक रूल है, सब्ट्रैक्ट का है रूल, फोर सब्ट्रैक्ट चेंज द साइन ऑफ each term to be subtract and then add। जब हम subtract करेंगे तो उनके signs को हम क्या कर देंगे, change कर देंगे, ठीक है, तब उसको हम ऐड करेंगे। इतना आपको समझ आया? जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस के 5x सब्ट्रैक्ट करना है इसका, इस प्रकार से कर लेते हैं एंड या फ्रॉम 9x स्क्वायर माइनस के 9x, इस प्रकार से कोई भी एक एग्जांपल लेंगे हम, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम का मतलब है फ्रॉम जहां पर आ जाए तो उसमें सेकंड वाली से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना, ये नहीं है फर्स्ट वाली से सेकंड को माइनस कर दे, नहीं, जहां पर भी फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम से पहली वाली डिजिट को हम माइनस करते हैं, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट क्या है 9x स्क्वायर माइनस के 9x और ये क्या है हमारी माइनस होगा इसका 3x स्क्वायर माइनस के 5x। इतना आया आपको समझ? ठीक है, माइनस करना है, तो अब उसने बोला है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो 9 में से 5 गए माइनस के 4x बचेगा और यहां से 5 में से माइनस के 3 गए तो 6x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी डिजिट है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको?
प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चंस हैं, किसमें? एक्सरसाइज 7.1 में। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन यहां पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से इस एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि इससे मैं चाहती हूँ इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितना जो लाभ आपका हो रहा है वो और भी बच्चों का हो, मेरा यही मोटिव है, यही मेरा एक उद्देश्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।